अक्सर हम घर पे जब चाउमीन बनाते हैं तो वो ठेले वाली, वो मार्केट वाले जो चाउमीन मिलते हैं, वो टेस्ट, वो बात नहीं आ पाती है। उस तरह से खिला खिला नहीं रह पाता हमारा चाउमीन। तो आज सारे वो टिप्स ट्रिक्स के साथ मैंने चाउमीन की रेसिपी आपसे जो शेयर की है, उसे देखिएगा। तो अगर आपके पास सारी वो चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ मार्केट वाले डालते हैं, तो भी आपकी चाउमीन जो बनेगी तैयार होगी, वो बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल तैयार होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी, आप देख रहे हैं ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो आज हम सारे टिप्स ट्रिक्स के साथ, जिससे कि आपके पास सारे अगर सामान नहीं भी हैं तो भी आपके आपका चाउमीन बिल्कुल परफेक्टली किस तरह से तैयार हो, मैंने वो रेसिपी शेयर की है। तो रेसिपी पूरी देखिएगा। और हाँ, उसके पहले मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। उसके बाद बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है बॉयल करने के लिए, और उसमें 2 चम्मच नमक मैंने डाल दिया और उसको बॉयल होने दिया पानी को। तो ये देखिए, पानी हमारा बिल्कुल बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ गया है। तो मैंने इसमें नूडल डाल दिए हैं। तो इसको यहाँ पे यही है कि उबलते पानी में नूडल्स डालें, पहले नमक डालें, और तेल बिल्कुल भी नहीं अभी डालिएगा। तेल हम जब बॉयल हो जाएगा नूडल फिर डालते हैं। तो आप देखते रहें, और कितना इसे बॉयल करना है उसे भी देखिए, ये ओवर कुक नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, उबलते उबलते अभी 2 मिनट हुए हैं करीब। तो अभी एक बार चेक करते हैं नूडल को। तो ये देखिए, इस तरह से ऐसे खींचते हैं तो ये ऐसे टूट रहा है, ये तुरंत ऐसे टूट जा रहा है, स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी नूडल जो है वो परफेक्टली जो है कुक नहीं हुए हैं। ओवर कुक नहीं करना है, ध्यान रखें यहाँ पे। ये मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा ये बॉयल होने में। तो एक बार फिर अभी चेक करेंगे हम, तो ये 6 मिनट हो गया है बॉयल होते हुए नूडल। तो एक बार फिर चेक करते हैं, तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये स्ट्रेच होते हुए ये टूट रहा है, खींच रहा है ये काफ़ी, ये देखिए। तो ये हमारा नूडल तैयार है। तो अब इसको क्या करते हैं, छान लेते हैं हम। तो पानी में देखिए, ज़्यादा देर रुके नहीं, तुरंत हमें छान लेना है, नहीं तो ये कुक हो जाएंगे और ओवर कुक हो जाएगा ये। तो अभी तुरंत हमें इसे छान लेना है। तो ये सारे तैयारियाँ पहले से करके रखे रहे हैं, ये छन्नी और ठंडा पानी भी पास में रखें। तो ये तुरंत इस पे हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, ये ओवर कुक होने से हमारा नूडल बच जाए। इस पे ठंडा पानी तुरंत डाल देंगे हम। अगर हो सके तो इसको टैप के नीचे रख के, और वैसे भी आप डाल लें, और हाँ, ये 2-3 मिनट इस तरह से थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फैला के रखें इसे, और उसके बाद ये तेल डाल के और इस तरह से मिक्स कर दें। तो ये नूडल आप कितने भी देर रखेंगे, इसे एकदम खिले खिले बहुत अच्छे नूडल रहेंगे, बिल्कुल स्टिकी नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं एक दूसरे में। तो इसको पहले ठंडे पानी से धुलने के बाद इसको फैला के इस तरह से रखें, और ठंडा होने पे पूरी तरह से तब तेल डालें उसमें। और इधर कढ़ाई मैंने गरम करके उसमें तेल डाल दिया है, और देख लेते हैं इसमें सब्जियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए, लंबे कटे हुए पत्ता गोभी है, ये गाजर है लंबाई में ही पतले पतले कटे हुए, और ये प्याज, ये भी पतले लंबे कटे हुए हैं, और ये शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां लंबाई में कटी, और ये हरे प्याज के सफ़ेद वाला हिस्सा है हरे प्याज का, और ये हरे प्याज का हरा वाला हिस्सा है। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, सॉसेज हैं, और काली मिर्च है, देख लेते हैं अभी। ये लहसुन और हरी मिर्च जो है वो डाल दिया मैंने तेल में, और ध्यान रखें फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रखें, हमारी कढ़ाई जो है एकदम गरम होनी चाहिए। और ये मैंने प्याज का, हरे प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा डाल दिया, ये भी लंबाई में ही कटा हुआ है, और अभी ये प्याज डाल दिया, और बारी बारी से सारी सब्जियां मैंने डाल दी इसमें, कुछ भी आगे पीछे नहीं डालना है। तो ध्यान रखें फ्लेम को पूरी फुल पे रखें, इसको बहुत तेज़ गर्म पे हमें ये कुकिंग करनी है। तो इस तरह से बारी बारी से सारी सब्जियां डाल देते हैं, सब्जियां हमें ज़्यादा नहीं पकानी है। तो इसको तेज़ फ्लेम पे इस तरह से हल्का सा स्टर फ्राई करते हैं इसको। तो यहाँ मैं बता दूँ कि ये सब्जियां काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा लग रही होंगी,
क्योंकि इसमें से आधी अभी हम हटा लेंगे, क्योंकि बच्चों को नूडल में छुपा के सब्जियां खिलाने का बहुत अच्छा बहाना रहता है जब नूडल हम बनाते हैं। तो अभी आधी इसको इसमें से निकाल लेंगे। तो आगे देखते हैं, तो ये देखिए सब्जियां कम हो गई, आधी मैंने निकाल दी है और आधे में मैंने ये स्प्रिंग अनियन जो है वो डाल दिया, मैंने उसका ग्रीन वाला पार्ट डाल दिया और ये फ्लेम तेज ही है। और अभी मैंने इसमें काली मिर्च डाला। तो अभी मैंने अपने नूडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इतना ही ये सब्जियां मैंने रखी है। तो अब क्या करते हैं, ये बॉयल्ड जो अपने नूडल्स हैं वो डाल दिया मैंने, ये देखिए। और अभी उसके ऊपर सारे सॉसेस डालते हैं। तो अभी मैंने सोया सॉस डाला, चिल्ली सॉस, ये रेड चिल्ली सॉस है, और ये है विनेगर, सफ़ेद सिरका और नमक। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो टोमेटो सॉस भी ऐड कर लें। अक्सर मार्केट में टोमेटो सॉस ऐड नहीं किया जाता है, पर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी आगे। और हाँ, मार्केट में अजीनोमोटो करके एक आता है इसमें डालने वाला, जो कि नमक की तरह वाइट होता है, तो वो भी ऐड किया जाता है, पर मैंने बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि घर पे बन रहा है तो थोड़ा हेल्दी तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस भी ऐड किया, और ये टोमेटो सॉस वही है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बना के घर पे ही तैयार किया था, रेसिपी चैनल पे है तो आप देख लीजिएगा। तो अभी भी फ्लेम जो है वो तेज ही है, और अगर इस तरह से चलाने में दिक्कत हो रही है तो आप फोक ले लें, फोक से बहुत अच्छे से मिक्स होता है, और या फिर चिमटा, जो रोटी बनाने वाला चिमटा होता है उससे पकड़ के और फोक की हेल्प से आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया। और हाँ, सब्जियां अगर आपके पास कोई नहीं है तो वो ना डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे भी इसी मेथड से आप बॉयल करिएगा तो तैयार है हमारा ये एकदम स्ट्रीट स्टाइल जो ठेले पे मिलते हैं ना वो वाले नूडल्स, वो भी हेल्दी तरीके से, जो कि आप बच्चों को खिलाएंगे तो गिल्ट भी नहीं फील करेंगे क्योंकि इसमें इतनी सब्जियां हैं, जो वो अजीनोमोटो या फिर कलर डालते हैं वो सब कुछ भी नहीं है। तो इस बार बनाइए ये हेल्दी नूडल्स मेरे तरीके से, और देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा चैनल और मेरे वीडियो को। तो फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। बाय।